दोस्तों, ड्राइव टास्क में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे होंडा की तरफ से आने वाली अल्काज़ार। दोस्तों, इसमें यहाँ पर DRLs दी गई हैं और ये यहाँ पर थोड़ा क्रोम दिया गया है दोस्तों, एक ग्रिल से मैच कराने के लिए। और इसमें वही क्रेटा वाला लैंप दे दिया गया है दोस्तों, और यहाँ पर प्रोजेक्टर दिया गया है, और यहाँ पर सिल्वर कलर की इसकी प्लेट दी गई है, और बॉडी कलर बम्पर दिया गया है, और ये क्रोम है दोस्तों, और क्रोम ग्रिल दोस्तों, सिग्नेचर ग्रिल भी इसी को बोलते हैं। और यहाँ पर नंबर लगाने की जगह टेम्परेरी नंबर लगा हुआ है, और यहाँ से इसके अंदर रेडिएटर है, आप देख सकते हैं दोस्तों। अब इसकी बात करते हैं साइड प्रोफाइल की, आप देख लीजिए साइड प्रोफाइल इसका। और दोस्तों, इसकी टायर साइज़ की बात करें दोस्तों, इसमें टायर साइज़ 215/60R17 का दिया गया है, और इसमें डिस्क ब्रेक आगे दी गई है, और यहाँ पर इंडिकेटर ORVM पर दिया गया है दोस्तों, और ये नीचे ब्लैक कलर का दिया गया है, डुअल टोन में है, और ये इसका ए पिलर ब्लैक कलर में दिया गया है, और आप इसको देख सकते हैं। और नीचे सिल्वर ग्लाइडिंग दी गई है, और ये ब्लैक कलर का दिया गया है, ये काफ़ी अच्छा है दोस्तों, काफ़ी ठीक किया गया है यहाँ पर देखिए दोस्तों। ये बैक टायर बैक में भी डिस्क दी गई है, और यहाँ पर फ्यूल भराने की स्पेस, कितना फ्यूल आता है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और दोस्तों, पीछे से इसका एंडेवर वाला लुक देख लीजिए, पीछे से पूरा एंडेवर का लुक है, और यहाँ पर एंडेवर की तरह एकदम लाइट है दोस्तों, और यहाँ पर अल्काज़ार की बैचिंग की गई है क्रोम में, और वाइपर डिफॉगर भी है शायद दोस्तों, ये डिफॉगर भी है। और दोस्तों, ऊपर का लाइट, और ये सिल्वर इसकी प्लेट दोस्तों, और दो साइलेंसर दिए गए हैं, ट्वाइन साइलेंसर हैं इसमें, और चार सेंसर दिया गया है, और यहाँ पर रिफ्लेक्टर दिया गया है दोस्तों। और दोस्तों, ये फेक साइलेंसर नहीं है, सच वाला है। एक बार इसका ओवरऑल साइड लुक देख लीजिए। और दोस्तों, ऊपर एंटीना दिया गया है, और यहाँ पर इसमें ग्रिल दी गई है, ये दोस्तों दो पार्ट में है, एक इधर उधर, क्योंकि काफ़ी बड़ी हो गई होगी। अब चलते हैं इसके बैक सीट पे। दोस्तों, ये 6-सीटर वेरिएंट है, और यहाँ पे एक आर्मरेस्ट दिया गया है, और ये फ़ोन होल्डर है दोस्तों, ये इसमें चार्जर नहीं है, इसमें यहाँ पर चार्जर नहीं है दोस्तों, और ये डमी है, यहाँ पर कोई बटन वगैरह लगता होगा किसी अपर वेरिएंट में, और ये बॉटल होल्डर या कप होल्डर। और दोस्तों, यहाँ पे स्पेस दिया गया है, यहाँ पर USB पोर्ट दिया गया दोस्तों, और ये एडजस्टेबल है दोस्तों, और यहाँ पर विंडो का कंट्रोल दिया गया है। और दोस्तों, यहाँ पर ये दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं, और इसकी सीट की कुशनिंग की बात करें दोस्तों, काफ़ी अच्छी सीट दी गई है, प्रीमियम टाइप की, और यहाँ पर कॉफ़ी कलर में या फिर चॉकलेट कलर में दोस्तों यहाँ पर डोर पे दिया गया है, जो प्रीमियम है एक तरीके से दोस्तों, ये प्रीमियम लगता है देखने में। और ये, और दोस्तों, ये सिल्वर कलर में दिया गया है, यहाँ पर भी सिल्वर की फिनिश दी गई है, और ये विंडो ऊपर नीचे करने का कंट्रोल। और दोस्तों, यहाँ पे स्पीकर दिया गया है, और ये यहाँ पर बॉटल होल्डर दिया गया है, और थोड़ा सा और स्पेस है, और यहाँ पर थोड़ा स्पेस है दोस्तों, इसको सीट को और छोड़ा किया जा सकता था, स्पेस है इसमें। और दोस्तों, इसमें 6-सीटर है, तो इसमें कोई सपोर्ट दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटा सा बम्प तो दिया गया है दोस्तों, जो पीछे नहीं है, सिर्फ आगे ही बम्प है, यहाँ पर थोड़ा सा बम्प है। और दोस्तों, स्पेस देख सकते हो आप, स्पेस की कोई कमी नहीं दोस्तों, यहाँ पे स्पेस, और यहाँ पर पूरा आरामदायक है दोस्तों, और एडजस्टेबल दिया गया है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, एडजस्टेबल है ये। और दोस्तों, इस पर सनरूफ भी दिया गया है, और यहाँ पर फोल्डेबल हैंडल दिया गया है, और यहाँ लाइट भी दी गई है दोस्तों, देख सकते हैं आप, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लाइट दी गई है।
और फोल्डेबल दिया गया है, और ऊपर पीछे भी चलते हैं दोस्तों इसके बैक सीट पे। दोस्तों इसमें आ गए हैं बैक सीट पे, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लीवर दिया गया है खोलने के लिए। अब चलते हैं पीछे, इसको नीचे गिराते हैं। दोस्तों पीछे ये स्पेस तो दोस्तों ठीक ठाक है, ये स्पेस तो दोस्तों ठीक ठाक है, लेकिन अंडर साइड सपोर्ट नहीं है दोस्तों, ये काफ़ी स्पेस भी थोड़ा कम ही है दोस्तों, बच्चों के लिए है। और दोस्तों यहाँ पर एसी वेंट दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा स्पेस दिया गया है, और यहाँ पे सीट बेल्ट दिए गए हैं, और यहाँ पर थोड़ा स्पेस है, यहाँ पर बॉटल होल्डर, और यहाँ पर एसी के कंट्रोल हैं दोस्तों, और यहाँ पर यूएसबी पोर्ट दिया गया है, इधर भी बॉटल होल्डर। और दोस्तों इसमें बूट नहीं है बिल्कुल भी, कुछ लीटरों की है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये देख सकते हो दोस्तों। इसमें एडजस्टेबल आर्म रेस्ट आता है दोस्तों, स्पेस तो पूरा है लेकिन ये सपोर्ट नहीं है, और इसकी दोस्तों ये जो चीज़ है ये भी छोटा है थोड़ा, आप देख सकते हो ये इतना ही है बस, जो काफ़ी ऑड सा लगा। अब चलते हैं, और दोस्तों यहाँ पे सिल्वर फिनिश दी गई है, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो। अब दोस्तों इसके चलते हैं ड्राइविंग सीट पे। देख सकते हैं दोस्तों 11 किलोमीटर चली है गाड़ी, वो गेट खुला इसलिए बता रहा है, और ये 6 गियर और एक रिवर्स के साथ आता है। और दोस्तों इसमें ये वाला सिस्टम है बैक गियर लगाने के लिए, और यहाँ पर कितने इंच का ये स्क्रीन दोस्तों आपके डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे एसी वेंट दिए गए हैं, और ये एसी के कंट्रोल हैं दोस्तों, ऑटोमेटिक ऑटो एसी आता है इसमें, और यहाँ पे बॉटल होल्डर दोस्तों, ये ब्रेक है, और दोस्तों ये यहाँ पे थोड़ा स्पेस है दोस्तों, ज़्यादा स्पेस नहीं है, और इसमें कोई चार्जर वगैरह नहीं दिया गया है, और इसमें भी दोस्तों थोड़ा ही स्पेस है। और इसमें क्रेटा में जहाँ वाइट किया गया है दोस्तों, इसमें चॉकलेट रंग का दिया गया है, और यहाँ पे थोड़ा इस डिज़ाइन भी दिया गया है, लेकिन दोस्तों ये प्लास्टिक है। और दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं, और इसमें ये स्टीयरिंग व्हील दोस्तों थोड़ा छोटा दिया गया है एज़ कम्पेयर अदर, मतलब जैसे लग रहा है छोटी गाड़ी का दे दिया गया हो। इसको मैं थोड़ा पीछे करता हूँ, इसमें पीछे करने का सिस्टम, देखो दोस्तों स्टीयरिंग व्हील थोड़ा बड़ा देना चाहिए। और यहाँ पे कंट्रोल दिए गए हैं, क्रूज़ कंट्रोल भी है दोस्तों, ये है क्रूज़ कंट्रोल, और ये क्रेटा वाली स्टीयरिंग है दोस्तों, इसमें भी चिपका दिया गया है, ये नहीं करना चाहिए था थोड़ा हल। और दोस्तों यहाँ पे फ्लैट नीचे है, और इस पे लेदर रैप भी किया गया है दोस्तों, होंडे की गाड़ियों में ये सब अच्छा रहता है, फिट एंड फिनिश की कोई सवाल ही नहीं होंडे की गाड़ियों में। दोस्तों यहाँ पे ये सनरूफ खोलने के लिए है यहाँ से, और ये लाइट ऑन ऑफ के लिए है दोस्तों, ये वाला क्लिक करने से पूरा केबिन की लाइट जल जाती है, और ये वाला सिर्फ यहाँ के जलाती है। और इसमें दोस्तों यहाँ पे मिरर दिया गया है, और दोस्तों इसमें टिकट होल्डर दिया गया है, ये देख सकते हैं आप,
और यहाँ पे एसी वेंट्स, यहाँ पे ट्यूटर दिया गया है, यहाँ पे स्पीकर दिया गया है दोस्तों, और ये फ्यूल लीड ओपन करने के लिए है, और यहाँ से बोनट ओपन करने के लिए है, ये इंजन पुश स्टार्ट ऑफ बटन है, और ये ट्रैक्शन मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल शायद इसे कहते हैं दोस्तों। और तो दोस्तों इस गाड़ी में कुछ बचा नहीं है, और ये इसमें दोस्तों इसमें टिल्ट और टेलीस्कोपी का देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसमें ORVM इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल है, यहाँ पे ब्लू लिंक का सपोर्ट भी दिया गया है दोस्तों। दोस्तों आपको बोनेट खोल के दिखाता हूँ, दोस्तों इसमें डीजल में सेम क्रेटा वाला इंजन आता है, आप देख सकते हो दोस्तों आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, CRDI 16RV का इंजन है। इंजन दोस्तों अभी स्टार्ट हुआ था इसलिए इसमें से गर्मी भी आ रही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।